हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्कूल्स यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट वाटर। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। खैर, बहुत सारे पीछे मैंने आप लोगों को मैग्नेट्स के बारे में, फन विथ मैग्नेट चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक हम लोग उसको डील किए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लास वाटर के बारे में। वाटर वाटर यानी जल। हवा के बाद अगर कोई दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए है तो वो है वाटर, जल। उसके बिना भी हमारा लाइफ, अगर हवा के बिना हम लोग कुछ सेकेंड्स नहीं रह सकते हैं, तो वाटर के बिना भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। सेकेंड्स तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ दिनों के बाद नहीं दिखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि हवा के बाद अगर बहुत इम्पॉर्टेंट कोई नेचुरल रिसोर्स है, हमारे जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो है नेट वाटर आपका। अगर वाटर अगर अर्थ पे नहीं होता तो शायद हमारा लाइफ भी अर्थ पे पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल क्या, होता ही नहीं। क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्लास, क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे लाइफ में वाटर का, क्या इम्पोर्टेंस है उसका, कैसे वाटर हमारे लाइफ के वेरियस एक्टिविटीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर देखेंगे कि वाटर का यूज़ हम लोग यहाँ कितना ज़्यादा करते हैं। फिर देखेंगे कि वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, देन वाटर साइकिल क्या होता है, और इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है, और ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के अमाउंट को अर्थ पे बनाए रखने के लिए। फिर कहता है अगर ज़्यादा बारिश होता है तो क्या होता है, लंबे समय तक बारिश ना हो तब क्या हो जाता है, कैसे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, और कैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हेल्प से जो ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो इन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में क्लास हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारी बुक में, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हवा के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट आपका कोई रिसोर्स है तो वो है आपका वाटर, और ये हमारे सर्वाइवलिंग के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना अगर फूड के बिना हम लोग कुछ हफ्तों तक नहीं रह सकते हैं, कुछ हफ्तों तक हम बिना फूड के रह सकते हैं, लेकिन बिना वाटर के हम लोग मैक्सिमम हार्डली हम लोग 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। उसके कह रहा है हमारे प्लैनेट पर एब्यूरेंट अमाउंट है वाटर का, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन क्या इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमारे कंजम्पशन, कितना हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या हम उतने इतने इतने बड़े इतने सारे समुद्र के पानी को क्या हम लोग यूज़ करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को अपने बुक में मिलेगा। कहा जाता है, अब तुम आप लोग पढ़े होगे अपने सोशल स्टडीज़ के बुक में कि अबाउट 1/4 जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, और इसी वजह से हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट या फिर वाटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि अबाउट 97% ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन सी। 97% वाटर हम लोगों को सी में, ओशियंस में देखने मिलता है, लेकिन क्या ये 97% वाटर हमारे यूज़ के लिए है तो नहीं, ये सॉल्टी वाटर होते हैं, नमकीन पानी होता है, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। वाइल रिमेनिंग 3% फाउंड एज अ फ्रेश वाटर, बाकी का जो 3% है, 97% के बाद जो 3% बच गया वो आपका फ्रेश वाटर होता है, और उस फ्रेश वाटर में भी अबाउट 2.997% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, मतलब बाकी का 2.997% जो है वो आप पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स वगैरह में है, और मात्र हमारे पास, हमारे अवेबिलिटी मतलब ग्राउंड वाटर वो कितना है आपका, ओनली 0.003%। देख रहे हो क्लास, ओनली 0.003% जो है वो आपका ग्राउंड वाटर है। क्या कह रहा है क्लास, 97% जो वाटर है वो आपका ओशियंस में, सीज में, इसमें आपका देखने मिल जाता है, ठीक है। बाकी का 3% जो वाटर है उस वाटर में आपका, बाकी का 3% वाटर जो है वो आपका फ्रेश वाटर है, और आपके इस फ्रेश वाटर में भी क्लास, और आपके इस फ्रेश वाटर में भी क्लास क्या है कि बाकी का बट गया है, इसमें इसी में आपका बट गया है, जिसमें
कितना 2.997% जो आपका वाटर है वो आपका आइस कैप्स ग्लेशियर्स वगैरह में है, और बाकी का जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 0.003% जो वाटर है ये ग्राउंड वाटर है। कैसा वाटर है? ग्राउंड वाटर, यानी हम इसका यूज़ अपने पीने के लिए कर सकते हैं, हम अपने डेली एक्टिविटीज़ में इनका खर्च कर सकते हैं। तो सोचिए क्लास की कितना कम अवेलेबिलिटी है ग्राउंड वाटर का। और ये ग्राउंड वाटर कहाँ का, ये सिर्फ ग्राउंड वाटर नहीं है, इसमें आपका रिवर भी आ जाएगा, लेक्स भी आ जाएंगे, पॉन्ड भी आ जाएगा, सारे इसी में है, ठीक है। लेक्स रिवर्स सारे इसी में है, ठीक है। और ये सारा पानी इतनी देखिए कहने के लिए तो इतना वाटर है ना, इतना सारा वाटर है। और इस इतने सारे वाटर में हमारे लिए कितना है, ओनली इस 0.003% का भी बहुत कम अमाउंट कह सकते हो क्लास। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपका रिवर भी है, ग्राउंड वाटर भी है, पॉन्ड भी है, और पता नहीं क्या क्या है। तो सोचो कि कितना कम अवेलेबिलिटी है वाटर का हमारे लिए, कितना कम है। और इसको हम लोग अपने डेली आस पड़ोस में ही देखना कि कुछ लोग बस पानी का अंधाधुंध यूज़ करते हैं, उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। क्या कि जैसे अंधाधुंध यूज़ करने का मतलब ये कि मोटर ऑन कर दिया, पानी जैसे भर टंकी में भरना है और ऑन कर दिया, ऑन करके सो गए। अब वो पानी जो है वो भर भी गया, गिर भी रहा है, और कोई ध्यान वाटर पे नहीं देता है। सोचो क्लास कि इतने अगर हर लोग इतने सारे वाटर को बर्बाद करेंगे तो हमारे लिए और कितना पानी कम होते चला जाएगा, और इस चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल बॉडीज कंटेन वाटर। हमारे बॉडी में भी आपका अबाउट 70% वाटर होता है। तो हर प्लांट में, एनिमल्स में आपका वाटर है, और उसके बॉडी में उसका रोल भी है। अगर उसको वाटर ना मिले तो हमारा जैसे ह्यूमन बॉडी है, इसका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, और भी बहुत सारे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत सारे तरह की बीमारी हम लोगों को देखने मिलेंगे, डिजीज़ देखने मिलेगा। तो वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। और उसी वाटर में देखिए क्लास, हमारे बुक में कुछ परसेंटेज फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स का बात कर रहा है कि किस फ्रूट और वेजिटेबल में कितने परसेंटेज ऑफ वाटर होते हैं। तो कह रहा है कि टोमेटो में आपका 90% वाटर होता है, लेडीज फिंगर में आपका 70% वाटर होता है, एप्पल में आपका 84% वाटर होता है, वाटरमेलन में सबसे ज़्यादा होता है, 95% वाटर होता है। इसलिए कहा जाता है गर्मियों के दिनों में कि ज़्यादा पानी वाली चीज़ें खाई जाती हैं, फल सब्जी वगैरह वगैरह। ग्रेप्स में आपका 85% वाटर होता है, पोटैटो में भी आपका वाटर 75% होता है, पम्पकिन में आपका वाटर होता है अबाउट 85%। तो ये कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिसमें भी बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल, कुकुम्बर है, उसमें भी अबाउट 95% ऑफ वाटर होता है। तो बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल्स हैं जिसमें आपका वाटर देखने मिलता है। अब हमारे बुक में कह रहा है कि हमारे लाइफ में क्या वाटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाटर प्ले वाइटल रोल इन वेरियस वे एज फॉलोज, कुछ दिए गए हैं हमारे बुक में, कुछ ध्यान डाला जाए कि हमारे बुक में हमें क्या कह रहा है। इट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग एनिमल एंड प्लांट। प्लांट और एनिमल के लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। अगर वाटर ना हो तो प्लांट भी वाटर कहाँ से लेगा? प्लांट अगर वाटर नहीं लेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो हम लोग प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है क्लास। आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। नहीं भी पढ़ोगे तो हम आगे पढ़ लेंगे कि कैसे प्लांट, जैसे हम लोग अपने वेरियस, हम लोग अपने डेली यूज़ के लिए जैसे लकड़ी है, मेडिसिन है, फूड्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और प्लांट भी हम लोगों से क्या लेता है? तो प्लांट हम लोगों पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिपेंड है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो प्लांट और एनिमल दोनों के लाइफ को सस्टेन करने के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ही है क्लास। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आपका इरीगेशन, सिंचाई करने के लिए, इरीगेट करने के लिए फील्ड को वाटर की ही ना आवश्यकता पड़ती है। बिना वाटर के प्लांट कैसे फूड प्रिपेयर करेगा?
तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, फूड वगैरह ग्रो कराने के लिए, क्रॉप ग्रो कराने के लिए वाटर का ही वाटर की आवश्यकता पड़ती है। घर में ही क्लीनिंग क्लीनिंग के लिए, बाथिंग बाथ करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। फूड को कुक करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। फिर से आपका इंडस्ट्रीज़ में जितने भी सामान बनाए जाते हैं या क्लीनिंग इंडस्ट्री में भी की जाती है साफ़ सफाई, तो उस सारी चीज़ों में किसका यूज़ होता है, वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो वाटर वाटर का यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है क्लास कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, उस प्लांट में क्या करता है, वाटर से ही ना आपके एनर्जी प्रिपेयर करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, तो वहाँ भी आपका वाटर की आवश्यकता होती है। और भी हमारे बॉडी के इंटरनल कुछ पार्ट्स को भी क्लीन करने, इंटरनली भी क्लीन करने के लिए आपका वाटर की आवश्यकता पड़ती है। बिना वाटर के हम लोग ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है, वी नो डैट नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर। 70% हमारे बॉडी का वेट किसके वजह से है, वाटर के वजह से है। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ऑन दी अर्थ दैट डज नॉट हैव वाटर इन इट। कह रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाता अगर अर्थ पर पानी ना होता। द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स केम अप नियर वाटर सोर्सेज और रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोग हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होंगे क्लास, कि वो सिविलाइजेशन भी कैसे आया, वो सभ्यता का कैसे डेवलपमेंट कैसे वो आया, तो वो भी पानी के वजह से ही हो पाया। अगर वहाँ वो सेटलमेंट आप लोग देखना, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग का सेटलमेंट जो है वो नदी के किनारों पर ही देखने मिलता है, या फिर कोई भी नए सिविलाइजेशन का आपका सुने होंगे कि यहाँ वो डेवलप हुआ, तो वो किसी रिवर के नज़दीक में ही होगा, किसी पानी के सोर्स के नज़दीक में ही होगा। कहने का मतलब ये कि पानी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। बिना वाटर के हम लोग अपना कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। क्या अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्लास, हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कितना वाटर हम लोग रोज़ अपनी डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो आप लोग कह रहा है कि फ्रॉम दिस डे लॉन्ग एक्टिविटी यू कम टू नो हाउ मच वाटर इज़ यूटिलाइज बाय योर फैमिली डेली। कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे फैमिली के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है एक दिन में। नाउ एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम बाय योर फैमिली इन अ ईयर। अगर कह रहा है कि डेली एक्टिविटी आप लोग ये काम भी कर सकते हो, ठीक है, घर में दिन नोटिस करिए सबको और अपने आप को भी कि कितना पानी का आप लोग यूज़ कर रहे हो और कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और एक अपने दिमाग में एक मिनिमम कैलकुलेशन बैठाओ कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आप एक दिन में खर्च कर रहे हो, और उस एक दिन के हिसाब से आप लोग काउंट करना, कैलकुलेट कर लो कि उस एक साल में, एक मंथ में, एक साल में कितना हम लोग पानी का खर्च करते हैं। फिर कह रहा है नाउ डिवाइड दिस अमाउंट ऑफ वाटर द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर एंड गेट द फैमिली इन अ ईयर। अब उसी तरह से मान लो बहुत सारे फैमिलीज हैं, है ना, अब कह रहा है कि उसी अमाउंट को आप लोग डिवाइड कर दो, और उस अमाउंट के को डिवाइड करने से एक फैमिली द्वारा कितना खर्च होगा उससे डिवाइड कर दो, और उससे पता चल जाएगा कि एक के द्वारा कितना पानी खर्च हो रहा है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा वाटर का खर्च हमारे एक फैमिली के द्वारा हो रहा है, एक फैमिली छोड़ो उस फैमिली के एक मेंबर के द्वारा कितना खर्च हो रहा है। इन द सेम वे यू कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम बाई पर पर्सन पर ईयर एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड योर विलेज टाउन इन अ ईयर। कह रहा है कि इस तरह से आप लोग समझ पाओगे कि विलेज में रहते हो तो विलेज, टाउन में रहते हो तो टाउन, कि कितना अमाउंट ऑफ, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर डू वी नीड, डज वी नीडेड, कितना ज़्यादा हम लोगों को वाटर की आवश्यकता है, कितने अमाउंट में आवश्यकता है। जैसे डेली एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंक पीते हैं, पानी को पीते हैं, ब्रश करते हैं, बाथिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, टॉयलेट्स वगैरह में, फ्लोर को क्लीन करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, और सब में एक अमाउंट जोड़ दो, और वहाँ सारा अमाउंट एक एक अमाउंट ले और सारे का जोड़ दो, तो पता चल गया कि एक दिन में हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं पानी का। सोच सकते हो क्लास कितना ज़्यादा है अमाउंट होगा। क्लास करके देखना, मज़ा आएगा करने में। अब है नेक्स्ट क्लास, अकरेंस ऑफ वाटर। वाटर कहाँ कहाँ, वाटर जो है वो कितने स्टेट्स में अवेलेबल है। तो वाटर जो है वो तीन स्टेट्स में अवेलेबल है। पहला है आपका सॉलिड,
दूसरा है आपका लिक्विड और चौथा है आपका गैसियस स्टेट में है, ठीक है। गैसियस स्टेट्स में आपका कैसा है क्लास? तो आपका वेपर के फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में आपका तो आपका हो गया आइस, और लिक्विड स्टेट में आपका वाटर ही जो है। देखिए क्या हमारी बुक में कह रहा है, वाटर जो है इट इज़ अवेलेबल इन फ्री एज वेल एज इन कम्बाइंड स्टेट। वाटर जो है वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कम्बाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट में वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पहला सॉलिड लिक्विड, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस यस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आपका फाउंड है, होता है, और ये कहाँ कहाँ है तो किस किस फॉर्म, इसके एग्जाम्पल क्या देखने मिलता है, तो आइस, स्नो, ये सब आपका सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। ये कहाँ पाए देखने मिलेंगे तो आर्कटिक रीजन में और अंटार्कटिक एरिया में। लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट बिगेस्ट रिजर्वर है हमारा, ओशियन सी जो है उसमें वाटर जो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और रेन भी जो आपका होता है बारिश, वो इसमें भी आपका वाटर जो वो लिक्विड स्टेट में नीचे आता है। नेक्स्ट है आपका क्लास गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में वाटर जो आपका वेपराइज होता है, वेपर बनता है, वेपर बन के कंडेंस होता है और क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तो ये आपका जो क्लाउड हुआ, मिस्ट हुआ, फॉग हुआ, ये सब आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं ये वाटर। तो इन अ कम्बाइंड स्टेट में कह रहा है इट इज़ प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। कम्बाइंड स्टेट में वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है वो बात कर रहा है, कि कम्बाइंड स्टेट में वाटर आपका कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में पाया जाता है। वाटर इज अवेलेबल इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म इन सॉल्ट, वाटर जो है आपका क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्लास सोर्सेज ऑफ वाटर, इसके बाद की टॉपिक हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे।